शुरू करते हैं। लेक्चररशिप, अच्छा जी देखें हमारा जो पर्पस है, प्लीज वी विल स्टे फोकस्ड ऑन आवर टॉपिक जो हमने कम्युनिकेट किया था। कल भी हमने टॉपिक कुछ और कम्युनिकेट किया था, तो डिस्कशन वैसे कल तो मैंने जानबूझ के किसी और टॉपिक पे डिस्कशन शुरू कर दी थी। अच्छा जी, सबसे पहले वैसे मुझे कॉल करना चाहिए था, एक देख लेते हैं, अभी मैंने वैसे पहले भी कॉल करवाए हैं कि आपके ख्याल में सीएसएस जो है उसको चलें अच्छा जी, मैं पॉल एक लॉन्च कर रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर जो है, आर यू सेटिस्फाइड विद आवर ऑनलाइन वेबिनार। ये अभी तो हमारा वेबिनार कंप्लीट नहीं हुआ, बट स्टिल क्योंकि मुझे आपसे कुछ डाटा लेना है, तो आप लोगों ने हमारे कुछ अदर वेबिनार्स भी ज्वाइन किए होंगे, उसकी बेसिस पे आप हमें उसमें रेट कर सकते हैं। अभी व्हाट आई वांट टू नो इज के आपका पहले क्वेश्चन क्या। अच्छा, जो लोग हमें फेसबुक पे देख रहे हैं वो सॉरी यूट्यूब पे जो हमें लोग देख रहे हैं, दे कैन ज्वाइन अस एट जूम, क्योंकि यूट्यूब के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मैं ऑब्वियसली जूम पे हूं, तो आप लोगों की क्यूरीज बाद में तो हम रिप्लाई कर सकते हैं, अभी रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। जस्ट प्लीज टेक 2 मिनट्स, 2 मिनट्स। और जो मैंने आपके सामने पॉल शेयर किया है, काइंडली इसको आप रिप्लाई करें। वो तमाम स्टूडेंट्स जो हमें YouTube पे देख रहे हैं उनको मैं मीटिंग आईडी कन्वे कर देता हूँ। मीटिंग आईडी है 6507773680 और पासकोड है 7773680। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं कि वो काइंडली ये मीटिंग आईडी और पासकोड शेयर करते रहें, जो YouTube का हमारा लिंक है वहाँ पे, ताकि जो लोग हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चाहें वो आके हमें जूम पे ज्वाइन कर लें, ठीक है। अच्छा जी, वी विल मेक इट कम्युनिकेटिव, हम इसमें कोशिश करेंगे कि आप भी क्वेश्चन पूछ सकें। जल्दी करें, जल्दी, शाबाश। माशाल्लाह 76 के करीब हैं और अभी हमारे पास सिर्फ 40 रिस्पॉन्सेज आए हैं। एटलीस्ट मुझे 70 रिस्पॉन्सेज तो दें। Hurry up, still 48 people have answered. जल्दी करें, जल्दी, शाबाश शाबाश। जी शाबाश, गुड। दैट्स वंडरफुल। चलें जी, एनफ। अभी जो लोग करते हैं जा रहे हैं वो अपना फुलफिल कर लें। पॉल, मैं आपके साथ चलें एक दो मिनट ले लें 58 हो गए, 60 करें, शाबाश शाबाश, करिया, फिर मैं आपके साथ रिजल्ट शेयर करूँ। Only 2 more candidates. शाबाश शरिया, गुड हो गया। चलें जी, अच्छा जी, आपको अभी पॉल एंड कर देता हूँ मैं, एवरीवन इन मीटिंग, ठीक है। अच्छा जी, एमओडी के हमारे बकायदा लेक्चर्स हो रहे हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आई हैव एंडेड द पॉल एंड नाउ आई एम शेयरिंग द रिजल्ट्स विद यू गाइस। ये लें जी, आप रिजल्ट देखें, आपको मैंने रिजल्ट शेयर कर दिए हैं और उसमें जो सबसे ज़्यादा स्कोर आया है वो रेड कलर में आपके सामने आ गया है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से 3 लोगों ने कहा है कि सीएसएस जो है उसकी तैयारी के लिए 2 साल चाहिए। अच्छा, ईमानदारी से बताना है काइंडली, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, ईमानदारी से बताना है कौन है वो दोस्त जो कह रहे हैं कि सीएसएस की तैयारी के लिए 2 साल चाहिए, उनकी क्या रीज़न है। डोंट शाय, प्लीज स्पीक अप। मतलब बात करने का मकसद ये है कि हम आपस में एक दूसरे से पूछे तो सही ना, आपकी इधर में क्या लॉजिक है। वो 3 दोस्तों में से कोई हिम्मत करेगा बात करने की, या जो 5 दोस्त जिन्होंने कहा जी 1.5 साल चाहिए तैयारी के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी, अपना नाम बताएं और आप कहाँ से बात कर रहे हैं। जी सर, मेरा नाम अली नज़ीर है और मैं हाफिजाबाद से बोल रहा हूँ। अच्छा सर, इसकी क्या हुआ है? सर मैंने बीकॉम LLB किया हुआ है और मैं जॉब कर रहा हूँ पंजाब कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में एज इंस्पेक्टर। ओके, दैट यू हैव अ जेन्युइन लॉजिक, गुड हो गया। अच्छा ठीक है, सो व्हाट योर लॉजिक, आप क्यों समझते हैं कि और क्या समझते हैं कितना टाइम चाहिए तैयारी के लिए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमें क्रिटिकल एनालाइज करना नहीं सिखाया जाता, तो हमें अपनी एनालिटिक एबिलिटीज डेवलप करने में टाइम लगता है। देन दूसरी चीज़ ये कि हमें अपना उसके बाद हमारी इंग्लिश भी कोई ज़्यादा बेहतर नहीं होती, तो उसको इंग्लिश को भी पॉलिश करने में टाइम लगता है। तो आई थिंक के 2 years लग जाते हैं हमें CSS क्वालिफाई करने के लिए। 2 years असल में आप बात कर रहे हैं कि क्वालिफाई करने के लिए 2 साल लग जाते हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ कि देखिए वो तो पूरा जो टाइम है ना, वो तो आपकी बात ठीक है कि अगर आप पेपर देते हैं और उसके बाद आप फिर रिजल्ट आता है, उसकी अगर आप बात कर रहे हैं तो उसमें तो इतना टाइम लग जाता है। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि आपकी ओवरऑल प्रेपरेशन जो है आप कितने अरसे में तैयार कर सकते हैं, ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा था। अच्छा, एक तो अली से जो बात करके हमें फ़ायदा हुआ, उसमें जो सबसे पहली ये बात क्लियर हुई कि यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन दिस कि इट इज़ सब्जेक्टिव, ठीक है। आपको अगर कोई बंदा कहता है ना आप में से अल्लाह करे आप सारे CSS कर जाएं, तो जब आपने कर जाना है तो मैं अक्सर एक जोक ये करता हूँ, आप कहना है कि मैंने तो सिर्फ 2 महीने में तैयारी की, ठीक है। तो जब आप कर जाते हैं तो फिर तो अक्सर यही होता है कि जी मैंने 2 महीने में की थी, जी मैंने 3 महीने में की थी, ठीक है। तो वो जो 2 months और 3 months वाला है वो तो मजाक है, ठीक है। और पंजाबी में वो एक मुहावरा होता है, वो थोड़ा कहते हैं कि ये मजाक है, ठीक है, वो मजाक है। 2 या 3 months के अंदर आई डोंट बिलीव के आप बिल्कुल मतलब आप स्टार्ट से स्क्रैच से तैयारी करें, तो किसी का जैकपॉट लग भी सकता है, बट डिपेंड्स, उसके लिए भी कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं। मैं कहता हूं कि हो सकता है किसी ने 3 months के अंदर भी तैयारी कर ली हो, लेकिन उसके प्री रेक्विजिट्स हैं। अगर आपके वो प्री रेक्विजिट्स आप पूरे करते हैं, लाइक उसकी लैंग्वेज, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज, उसका राइटिंग एक्सप्रेशन जो है वो बहुत बेहतर है, उसको बेसिक ग्रामर का मसला नहीं है, ठीक है। अब अगर ये चीज़ है तो वंडरफुल। अच्छा, ये एक प्री रेक्विजिट मेरे माइंड में है। दूसरा जो प्री रेक्विजिट है वो ये है कि आपका रीडिंग हैबिट है। रीडिंग से ये मुराद नहीं कि आप MSc Zoology हैं या MSc Botany है या एग्रीकल्चर है और आप सिर्फ एग्रीकल्चर की किताबें पढ़ रहे हैं, नहीं, आप अदर देन दैट म्यूजिक, लिटरेचर, ठीक है, हिस्ट्री, बायोग्राफीज, उस पर आप बुक्स पढ़ रहे हैं। एंड यू हैव रेड डजन्स ऑफ बुक्स, कोई दो तीन नहीं, कोई आपने 2-4 दर्जन किताबें पढ़ी हुई। और तीसरा यह है कि आप कंटिन्यूसली इन टच हैं विद द न्यूज़पेपर, यानी कि करंट इश्यूज के साथ आप इन टच हैं। आपको गवर्नमेंट और स्टेट का फर्क पता है कि गवर्नमेंट और स्टेट क्या होती है, गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट, या कॉन्स्टिट्यूशन किस बला का नाम है, इसको क्या, किस चीज़ से खाते पीते हैं, या फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। ठीक है, इफ़ यू आर अवेयर ऑफ दीज बेसिक्स, तो हो सकता है कि आप 3 महीने के अंदर भी तैयारी कर लें। सो व्हाट आई वांट टू से हियर, यहाँ पे बड़ा एक सिंपल सी चीज़ होगी क्लियर, ठीक है, कि भैया ये जो तमाम चीज़ें हैं इसके लिए सीएसएस के लिए भी ये प्री रेक्विजिट्स हैं। आपकी अच्छी रीडिंग हैबिट होनी चाहिए, आपका ऑब्वियसली नॉलेज अच्छा होना चाहिए, और आपका सबसे बेहतरीन चीज़ आपका राइटिंग एक्सप्रेशन बेहतर होना चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं कि कैंडिडेट्स में बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है, एक तो पहली बात देखें ना, आप जॉबियन हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप जॉबियन हैं, आप एक हाउसवाइफ हो सकती हैं जिसका बच्चे भी हैं, ठीक है, और उसने हमारा एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, उसने घर का काम शाम भी करना है, खाना भी बनाना है, बच्चे की देखभाल भी करनी है। ठीक है, और आप जो है जॉबियन से मुराद है बेटा, आप जॉब होल्डर हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, 8 घंटे आप पहले ही जॉब पे होते हैं। ठीक है, आप हाउसवाइफ हैं, शादीशुदा हैं, ठीक है जी, आई मीन एम्प्लॉय, ठीक है, आप हाउसवाइफ हैं, ठीक है, अच्छा, या आप बिल्कुल आपको कोई काम नहीं है अल्लाह के वास्ते, ठीक है ना, और आप बिल्कुल सिंगल भी हैं और शदीद सिंगल हैं। ठीक है, मतलब आपको कोई काम ही नहीं है। ठीक है, सवाए इसके कि आप जी सीएसएस की तैयारी करें। ये 3-4 जो कैटेगरीज हैं, हाँ जी, मतलब आप स्टूडेंट हैं। ठीक है, आप स्टूडेंट से मुराद है कि अगर साथ में कोई आप डिग्री भी कर रहे हैं तो तब भी, तो सबके लिए क्या एक फार्मूला हो सकता है? नो। ठीक है, अच्छा अब मेरा ये ख्याल है कि अच्छा अब एक बंदा अगर कोई 8 घंटे जॉब कर रहा है तो उसके लिए ऑब्वियसली 6 मंथ्स का प्लान थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। मैंने बोला थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। हाउसवाइफ अगर उसको बहुत ज़्यादा काम नहीं है तो वो 6 मंथ में तैयारी कर सकते हैं। जो कि बिल्कुल सिंगल है और कोई काम नहीं है, सिर्फ पढ़ रहा है, वो भी 6 मंथ में तैयारी कर सकते हैं। स्टूडेंट भी 6 मंथ में तैयारी कर सकते हैं। ये जॉब वाले भी, अगर कुछ सरकारी मुलाजिम है, आपको पता सरकारी मुलाजिम जो है उन पे कि उतना जॉब का प्रेशर नहीं होता, प्राइवेट सेक्टर में जॉब का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें भी आपकी जॉब नेचर। अब बेचारा पुलिस वाला जो है, आपको पुलिस की नौकरी पसंद तो बहुत है, लेकिन पुलिस वाला बेचारा तो 6 महीने में उसके लिए बहुत मुश्किल है, जितनी उसकी टफ जॉब होती है। ठीक है, या रेवेन्यू के महकमे में अगर कोई बंदा काम कर रहा है, ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट चीज़ें वेरी करती हैं। पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, अब उसके बाद आपका आ गया मैं 6 मंथ का प्लान जो है वो अब हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, गप्पे शप्पे बाद में। एक तो पहले यहाँ पे दोज़ हू फेल टू प्लान दे आर प्लानिंग टू फेल। ये कोट है, मुझे अब याद नहीं। दे आर प्लानिंग टू फेल, क्या मतलब है जी इसका? जो कोई प्लान नहीं बनाते वो फेल होने का प्लान बना रहे हैं। दे आर प्लानिंग टू फेल। ठीक है, तो आप एक प्लान, मतलब आप कोई स्ट्रेटजिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है, बट स्टिल आपने एक प्लान बनाना है। 6 महीने का आपने बेटा एक प्लान बनाना है। अब उसको हम कैटेगराइज करते हैं 2 तरीकों से। 6 मंथ्स इज अ रियली आइडियल टाइम। 6 मंथ्स इज एन आइडियल टाइम फॉर प्रेपरेशन, इज माई ओपिनियन। वो तमाम कंडीशंस लगाते हुए जो हमने पहले डिस्कस की है। ठीक है, अब 6 मंथ जो है वो आइडियल टाइम किस तरह से है? आपका एक टाइम टेबल हम बनाते हैं सीएसएस का। जब हम सीएसएस का टाइम टेबल बनाते हैं तो 2 तरह का टाइम टेबल बनता है। एक होता है आपका ब्रॉड और एक आपका होता है डेली टाइम टेबल। ठीक है, जब आप ब्रॉड टाइम टेबल बनाते हैं, ठीक है, उसमें आप क्या डिस्कस करते हैं? आप उसमें डिस्कस करते हैं फर्स्ट किया जी अगस्त के महीने में आपने क्या करना है, मैंने 3 सब्जेक्ट कवर करने हैं। मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पर लिख रहा हूँ, मैंने पाकिस्तान अफेयर्स कवर करनी है, मैंने इस्लामिक स्टडीज़ कवर करनी है, ठीक है जी, इसकी ट्यूशन्स कवर करनी है या मैंने खुद से पढ़ना है, ठीक है, या साथ में वैसे सिर्फ मैंने जो है वो कोई एक ऑप्शन सब्जेक्ट कवर करना है, से फॉर एग्जाम्पल जेंडर कवर करना है, ठीक है, मैंने ये 3 सब्जेक्ट एक महीने में कवर कर लिए। इसी तरह मैंने कोई 3 से 4 सब्जेक्ट आ गए अगस्त सितंबर में कवर कर लिए, फिर इस तरह आपके बाद अक्टूबर आ गया, ठीक है, आप बहुत भी लंबा ले जाए तो नवंबर तक ले जाए। अगर आप 3-3 सब्जेक्ट करके भी करें, आपने 11 सब्जेक्ट्स एक्चुअली 10 सब्जेक्ट्स पढ़ने, क्योंकि एक सब्जेक्ट को आपका जो है वो 200 मार्क्स का है, तो आपके बन जाते हैं 200 और 100 और 100, 5 सब्जेक्ट्स ये हो गए और 6 वो हो गए, ठीक है, 11 सब्जेक्ट्स ही बनते हैं आपके, ठीक है नाम CSS के अंदर। अच्छा, अब मैं जी इंडिविजुअल क्वेश्चंस आपके ले लूंगा। अब आप नवंबर तक आपने सिलेबस कवर कर लिया, दिसंबर के अंदर आपने रिवीजन्स देनी है मॉक टेस्ट देने से पहले, ये आपका रिवीजन्स हो गए, ठीक है, और फिर आपके पास आ गया जनवरी में आपने मॉक असेसमेंट्स करवानी है, मॉक टेस्ट देने, ठीक है, फरवरी को हम इसमें नहीं गिनेंगे। देखिए जी, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिपेंड करता है, मेरा ओपिनियन है इसमें भी सब लोग एक जैसे नहीं होते, सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता, ठीक है, कुछ लोग एक महीने के अंदर 4 सब्जेक्ट भी कवर हो जाते हैं, कुछ लोग 2 कवर कर पाते हैं बड़ी मुश्किल से। अगेन मैं कहता हूँ सबके लिए एक फार्मूला नहीं हो सकता, सबके लिए एक फार्मूला नहीं हो सकता, सब दिमाग एक जैसे नहीं होते। वो बचपन में स्कूल में कहा करते थे कि आप बच्चे पेरेंट्स कि आपके आपको डिफरेंट खाना खाते हो, आप बड़े कुलजहन हो जी, फलाना बेटा जो है या बेटी वो बड़ी लाइक है। तो भैया सब का दिमाग एक जैसा नहीं हो सकता, कोई किसी एक चीज़ में एक्सेल कर रहा है, हो सकता है किसी को मैथ अच्छी तरह समझ ना आ रहा हो, उसको बायोलॉजी अच्छी तरह समझ आ रही हो, ठीक है। अभी यहाँ तक जो एक मैंने प्लान बनाया, अगेन मैं माजरत के साथ, बेटा ये कोई हदीस नहीं है, ठीक है, ये कोई कुरान नहीं है, ये एक मेरा माइंड है, आप इससे डिफर कर सकते हैं। बस किया, अच्छा मैं अगर आता हूँ, मैंने अपनी एक तो मैंने पहले आपको ये बता दिया, फिर आ जाते हैं हम डेली टाइम टेबल पर। अब डेली टाइम टेबल क्या है? अब मैं आपको एक अपना टाइम टेबल बता, बस किया मैं किस तरह से तैयारी किया करता था। मेरा ये तरीकाकार होता था कि मैं डेली टाइम टेबल और उसको फिर मंथली पे भी हम ले जाते हैं कि मैं डेली कैसे तैयारी किया करता था। एंड अगेन ये एक एग्जांपल है, आपका डिफरेंट आइडिया हो सकता है, ठीक है। मैं कोई 6 से 7 घंटे किसी एक सब्जेक्ट को दिया करता था, 7 आवर्स टू सिंगल सब्जेक्ट। मैं उसकी ट्यूशन नहीं ले रहा, कुछ नहीं कर रहा, मैं खुद ही तैयार कर रहा हूँ बैठ के सेफ आ जाता। यहाँ मैं अगर इसको ट्यूशन भी ले रहा हूँ तो 2 घंटे की मेरी ट्यूशन हो गई और उसके बाद 4 घंटे या 5 घंटे मैंने वो डेली का लेक्चर तैयार कर। आपका ये एक सब्जेक्ट तैयार, ठीक है। उसके बाद कोई एक आसान सा कोई सब्जेक्ट, से फॉर एग्जांपल इस्लामिक स्टडीज आपने ले लिया, या कोई 2-3 सब्जेक्ट्स तो होंगे ना जो आपके लिए आसान होंगे। लाइक मेरे लिए जनरल साइंस एंड फिफ्टी बहुत आसान था, ठीक है। GSA ले लिया, ठीक है, मैं उसको दूंगा 2 से 3 घंटे, 2 to 3 आवर्स डेली, ठीक है। ये कोई भी एक आसान सा सब्जेक्ट हो गया, ये सेकंड चीज आ गई, ठीक है। थर्ड चीज 1, 2, 3, मैंने डेली न्यूज़पेपर को सिर्फ 1 आर देना है, डेली न्यूज़पेपर, इससे ज्यादा नहीं देना, ठीक है, 1 आर, ठीक है। और फोर्थ चीज मैं एक काम किया करता था, मैं डेली 1 घंटा दिया करता था, 1 आवर डेली, किस चीज़ को, ठीक है, या MCQs। जी, हमारे ज़माने में बहुत आसान होता था, हमसे पहले वाले कहते थे उनके ज़माने में बहुत आसान होता था, ठीक है, कंपटीशन बहुत आसान था, ठीक है। जिस तरह बुजुर्ग कहते हैं पुत्र हम तो खुराकें नहीं रही, साढ़े ज़माने से खुराक पड़ी, ठीक है ना बेटा। हर ज़माने में उसी तरह लिहाज से टेक्नोलॉजी, हमारे ज़माने में ये फेसबुक अमेजोन नहीं था, आपको घर बैठ के तवीज़ दे रहे हैं। हमें मिन्नतें करनी पड़ती थी लोगों की, तब जाके उनसे कोई गाइडेंस मिलती थी। आपको घर बैठे सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। चलें अब MCQs या फर्ज किया वोकैबुलरी बस आपके लिए जरूरी नहीं है आप ये फॉलो करें, मतलब मुझे ये इससे सेटिस्फेक्शन बेहतर होती है, ठीक है। आप उसमें कुछ लोग क्या करते हैं वो 2-2 घंटे 5 सब्जेक्ट्स को देते हैं, उसमें मसला क्या होता है, मतलब मुझे उससे सेटिस्फेक्शन नहीं आती। इससे मुझे सेटिस्फेक्शन क्यों आती है कि फर्स्ट किया मैंने एक सब्जेक्ट को डेली 6 से 7 घंटे दिए, एक को 2 से 3 घंटे दिए, मेरे 2 महीने के अंदर 2 के करीब सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए जो 100% तैयार हो। मैं डेली 1 घंटा न्यूज़पेपर को दे रहा हूँ, मेरा करंट अफेयर साथ साथ तैयार हो रहा है। मैं डेली 1 घंटा वोकैबुलरी को, पेयर ऑफ वर्ड्स को, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स को या MCQs को दे रहा हूँ, तो मेरा वो भी सब्जेक्ट साथ साथ 6 महीने में, 3 महीने में वो भी साथ साथ चीज़ें क्या हो रही होंगी, तैयार हो रही होंगी। तो ये आपका है डेली का टाइम टेबल कि इस तरह से आपको चीज़ों को लेकर चलना। अच्छा अब है कि जब भी हम प्रेपरेशन करते हैं तो एक ओवरऑल, अगेन मैं बता रहा हूँ बेटा कि इट इज़ माई ऑब्जर्वेशन, ठीक है बेटा। न्यूज़पेपर के लिए 1 घंटा काफ़ी है, जो इससे ज़्यादा टाइम सर्व करते हैं वो मेरे ख्याल में तो अपना वक्त का ज़्यादा करते हैं। अखबार के अंदर आपने 1 से 2 आर्टिकल्स डेली पढ़ने होते हैं बस, और वो 1 घंटे में पढ़े जाते हैं। शुरू में जिनकी लैंग्वेज बहुत वीक होती है उनको टाइम ज़्यादा लगता है। अच्छा अब बेटा कोई भी जो सब्जेक्ट है उसको तैयार करने की प्रेपरेशन की रेसिपी क्या है, प्रेपरेशन का जो कैप्सूल है, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट को CSS के अंदर जब आप तैयार करते हैं प्रेपरेशन की उसकी रेसिपी, ठीक है। एक तो ये मिस कर रहा है यहाँ पे, चले खैर। अच्छा अब उसमें सबसे पहले मैं क्या काम किया करता था, उस सब्जेक्ट का मैंने सिलेबस देखा, उसका कंप्लीट सिलेबस क्या है, ये मेरा पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या, मैंने उसके एटलीस्ट पिछले 5 साल के पेपर्स का एनालिसिस करना, 5 ईयर्स पेपर्स उसका मैंने खुद से एनालिसिस करना है, ठीक है। फिर तीसरा स्टेप क्या है, मैंने गो थ्रू करना है पूरे सिलेबस को वंस, गो थ्रू होल सिलेबस। मैंने पूरे सिलेबस को 1 दफ़ा लाजमी पढ़ना है, नो सिलेक्टिव स्टडी, ठीक है। कोई सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, 1 दफ़ा पूरे सिलेबस को लाजमी पढ़ना है। लेकिन फिर आपको आइडिया होगा कि भैया कम से कम कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ से सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो कहाँ से पता चलेगा, वो हमें 5 ईयर्स के पेपर्स के एनालिसिस से पता करेगा। मैं जो मोस्ट रेपिटेटिव क्वेश्चंस हैं उनको फाइन ट्यून करूँगा, उनको मैं बार बार पढ़ूँगा। रेपिटेटिव TITIVE, ठीक है। रेपिटेटिव जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं बार बार पढ़ूंगा, ठीक है। उनके मैं नोट्स भी बनाऊंगा, उनको मैं 2 किताबों से पढ़ूंगा, ठीक है। उनकी मैं कोटेशंस, फैक्ट्स एंड फिगर भी तैयार करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस क्या हैं, ज़्यादा हैं। 5वां काम मैंने अब क्या करना है, अब मैंने अपनी मॉक असेसमेंट करवानी है, ठीक है। मैंने किसी सिंसियर सीनियर को या किसी टीचर को, ठीक है, अपना 1, 2, 3, 4, 5 जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं मैंने अपने राइटअप्स चेक करवाने हैं, ठीक है। 6वां काम क्या करना है आपने, 6वां काम बेटा आपने ये करना है, हर सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव अलहदा से तैयार करनी है बेटा। हर सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव 20 नंबर की ऑब्जेक्टिव है, ये लोग गलती करते हैं, ठीक है, ये लोग गलती करते हैं। हर सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव अलग से तैयार करनी है, इसकी मैं आप लॉजिक आपको बताता हूँ। एसे को निकाल दें, ठीक है, और कंपोजिशन को निकाल दें, पीछे बचे आपके 10 पेपर, हर पेपर में 20 नंबर के ऑब्जेक्ट है, कितने हो गए आपके 200। कंपोजिशन के अंदर मैं ये समझता हूँ जो 35-40 नंबर का जो पेपर है वो असल में आपका ऑब्जेक्टिव ही है, 240-250, ठीक है। ये जो बेटा 240 है, इसमें से मैं आपको मजे की बात बताऊँ, ज्यादातर लोग 100 से 120 स्कोर कर रहे होते हैं। कितने बेवकूफ होंगे वो लोग, ठीक है बेटा। वो ऑब्जेक्टिव तैयार करके ही नहीं जाते। अगर आप ऑब्जेक्टिव तैयार नहीं करेंगे अलहदा से तो भैया आपके इतने ही नंबर आएंगे, 240 में से 100 120 बड़ी हद तक, बस इतने ही आएंगे। मेरे से लिखवा ले, मैंने लिख दिया है, ठीक है। आपने बेटा हर सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव, आपको याद होगा मैंने अपने रीडिंग प्लान में एक चीज शेयर की थी। कहाँ पे शेयर की थी, वापस आ जाए जरा। ये मेरा डेली प्लान, मैं एमसीक्यूज साथ डेली 1 घंटा दे रहा हूँ, या एमसीक्यूज को या कैटेगरी को। मैं अपने 240 नंबरों को डेली 1 घंटा दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि एकदम सारे एमसीक्यूज पढ़ना शुरू हो जाऊंगा तो बोर होना शुरू हो जाऊंगा। मैं डेली, और वो टाइम देना है जहाँ पे लेस प्रोडक्टिव हूँ मैं। रात को सोने से पहले किताब खोल ली, 5 सफ़े पढ़ लिए, 10 पढ़ लिए यार, ठीक है भैया। उसके लिए स्पेशल बुक्स है मार्केट के अंदर, खुद निकालें। मैं तो पेयर वर्ड्स तक बात पढ़ते हुए खुद निकाल रहा होता था कि यार ये भी पेयर वर्ड पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब दोबारा आ जाए हम अपने इस सफ़े पे। मेरा मानना है ये 240 में से आप 200 से 220 तक नंबर ले सकते हैं। मैं आपको 40 नहीं कह रहा, मतलब आप इसका और इसका फर्क लगाएं, 100 नंबर का फर्क है। आप क्या इस बंदे के साथ रेस में जीत सकते हैं? कभी भी नहीं। जो आपको ऑब्जेक्टिव में 100 क्या अगर 50 नंबर का डिफरेंस भी दे रहा है, सेफ फॉर एग्जाम्पल आप समझ ले मैं एग्जैजरेट कर रहा हूं, ठीक है। जो बंदा आपको ऑब्जेक्टिव में 50 नंबर का फर्क दे रहा है आप उसके पास भी नहीं पढ़ सकते। तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि हर सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव आपने अलग से तैयार करना। ये हैं ब्लंडर्स जो स्टूडेंट्स मारते हैं। तो पहला ब्लंडर, फर्स्ट ब्लंडर जो स्टूडेंट्स करते हैं, ऑब्जेक्टिव को अलग से तैयार नहीं करते। सेकंड ब्लंडर पे आते हैं। सेकंड ब्लंडर, ठीक है। देखिए टाइम मैनेजमेंट भी साथ साथ डिस्कस कर दी और बहुत कुछ डिस्कस कर दिया आज आपने, ठीक है। सेकंड ब्लंडर, पेपर में बैठने से पहले एक लफ्ज नहीं लिखते, पेपर लिखते ही जाके एग्जाम हॉल में टीचर मिनते करते रह जाते हैं, बेटा कुछ लिख लो बेटा, 3 घंटे का एक ऐसे बैठ के लिख लो, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। नहीं कर पाओगे पेपर में जाके टाइम मैनेज, बेटा एक पेपर पाक अफेयर्स का 3 घंटे में हल कर लो बैठ के, आपको पता चले वहां पे टाइम कैसे मैनेज करना है। बेटा एक पेपर जीएसए का 3 घंटे में हल कर लो, हर सवाल के 4 पोर्शन हैं, ठीक है। कुल 4 सवाल हल करने हैं, 16 पार्ट्स हैं, कैसे हल करना है जाके पेपर, बेटा एक दफा पहले हल कर लो। नहीं करते, मैंने क्या बोला, नहीं करते। फिर होता क्या है, पाक फेयर का पेपर या ऐसे का पेपर लंबी आउटलाइन लिख ली, ठीक है। फर्स्ट किया सादा सा कोई ऐसे ले लेते हैं जी, काजेज इफेक्ट सोल्यूशन, काजर भी बहुत लिख लिए, इफेक्ट भी बहुत लिख लिए, सोल्यूशन लिखने की बारी आई, टाइम खत्म हो गया। फिर आके बोलने के सर वो काजेज इफेक्ट तो मैंने सारे लिख दिए, सोल्यूशन मैंने ना कंक्लूजन में लिख दिए थे सारे। और भाईजान जो आपने आउटलाइन लिखी थी पहले उसमें आपने सॉल्यूशंस के लिए बकायदा 5-6 सफ़े रखे हुए थे, एग्जामिनर भी आपको बड़े प्यार से 36 पे फेल कर देगा अगर आपकी लैंग्वेज बाकी सारी चीजें बड़ी बेहतरीन है, ठीक है। अच्छा जी, पाक अफेयर का पेपर, आपका नॉलेज उस वक्त बहुत उमड़ आता है, पहला सवाल 1 घंटे में हल किया या 1 घंटे 10 मिनट में हल किया, फिर अचानक अंदाजा हुआ कि यार टाइम तो बहुत लग गया, दूसरे सवाल पे बड़ा टाइम काम किया तो 50 मिनट में हल किया, तीसरे पे और काम किया तो 30 मिनट में हल किया, चौथे के लिए बचे ही 10 मिनट या 5 मिनट। ठीक है, फिर आके बाद तो क्या करेंगे, सर वो मैंने आखिरी सवाल ना 5 मिनट में किया है, उसके मुझे वो 10 नंबर दे देगा। ठीक है तो जी कैसा लगा, दिस इज योर सेकंड ब्लंडर, टाइम मैनेजमेंट। ये है विद क्या कहते हैं, रेलेवेंस टू योर पेपर। ये इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है मॉक असेसमेंट, या इसका सोल्यूशन है आप खुद से बैठे एक पेपर पकड़े, उसको 3 घंटे में हल करने की कोशिश करें। एक ऐसे आप 3 घंटे में नहीं लिख पाते तो दूसरा ऐसे 3 घंटे में लिखने की कोशिश करें, फिर तीसरा ऐसे 3 घंटे में लिखने की कोशिश करें। जब आपको आप आइडिया हो जाए कि यार मैं इतने पेजेस या इतने लफ्ज या इतने टाइम में इतनी चीज मैनेज कर सकता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी कि हाँ यार ये चीज है जो मैंने मैनेज करनी है। ठीक है, या मैंने इस तरह से चीज को लेके चलना है। ये आपका सेकंड मेजर ब्लंडर आ गया। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद थर्ड मेजर ब्लंडर क्या है। ठीक है जी, थर्ड मेजर ब्लंडर जो कि बहुत सारे इस पे लोग मेरे से डिसएग्री करेंगे, मुझे पहले ही पता है, बहुत सारे लोग मेरे से इस पे डिसएग्री करेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए जब मैंने खुद तैयारी की थी, मैंने सिर्फ इंग्लिश के टीचर्स को ज्वाइन किया और 2 टीचर्स को ज्वाइन किया। ठीक है, एक से मैंने बकायदा ऐसे कंपोजिशन पढ़ी, एक से बकायदा अलग से मैंने असेसमेंट करवाई, पूरा महीना गया, 15 के करीब ऐसे चेक करवाए और तकरीबन इतने ही प्रेसिंग कंप्रीहेंशन के पेपर चेक करवाए। ठीक है, अच्छा मुझे क्योंकि यकीन था कि यार मेरी अगर इंग्लिश पास है तो मेरा सीएसएस पास है। अच्छा मेरी कुछ अपनी कंपल्शंस थी। ठीक है, मेरे पास अगर रिसोर्सेज होते मैं हर सब्जेक्ट के लिए अलग-अलग सीजन मेंटोर को या किसी बेहतरीन एकेडमी को ज्वाइन करता। मैं आई एम नॉट, अल्लाह अपनी पनाह में रखे, आई एम नॉट लाइंग और आई एम नॉट जोकिंग, अगर मेरे लिए सर्कमस्टांसेस फेवरेबल हो। एक बंदा जो एक मेंटोर की निगरानी में तैयारी कर रहा है और एक जो उसके बगैर तैयारी कर रहा है, और दोनों का आईक्यू लेवल सेम है विद मेंटोर एंड विदाउट मेंटोर। मैं कह रहा हूँ दोनों का आईक्यू लेवल सेम है, ये हमने मान लिया। ठीक है, दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है, सब कुछ सेम है। अगर ये फैक्टर दरमियान में आ गया तो दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। ऑब्वियसली ये बंदा उसको पीछे छोड़ जाएगा रेस में। आपका कोई एक टीचर एक सब्जेक्ट का भी अगर आपको 5 नंबर का भी नफा दे दे, जस्ट 5 मार्क्स, 5 नंबर का भी नफा दे दे, मैं कहता हूं 1 नंबर मान नहीं है, 1 नंबर भी मान नहीं, मैं तो 5 नंबर कह रहा हूं। ठीक है, तो आप सोचें कि आपके 12×5 60, 60 ना लगाएं 50 लगा लें, 50 ना लगाएं 30 लगा लें। CSS is a game of competition भैया, so it is your personal investment। at least जो आपके वीक एरियाज हैं, आप अकेडमी ना ज्वाइन करें। लाइक फर्स्ट क्या मुझे था कि भाई मेरी अगर इंग्लिश पास है, मेरा CSS पास है, मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी रेगुलर क्लास में ये सुनाता रहता हूँ। ठीक है, तो भैया मैंने इसके लिए 4 टीचर्स के पास वैसे गया था, लेकिन 2 से रेगुलर पढ़ा, 2 को मैंने छोड़ दिया पहले दूसरे दिन क्योंकि मुझे पसंद नहीं आया। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज के भैया ये ब्लंडर ना करें, ज्वाइन या किसी सीनियर से रेगुलर कोई मेंटोरिंग लें। ठीक है, आप रेगुलर मेंटोरिंग लें। ठीक है, दिस इज द फाइनल थिंग। ठीक है, आप लोगों के क्वेश्चंस लेने से पहले मैं 1-2 चीजें यहाँ पे आपको बता दूं। ऑब्वियसली हमारे पास जो एक प्लान है CSS का 6 मंथ्स का, जो हमारा प्लान, आप हमारे पास अगर इनरोल होते हैं, फीस वगैरह के लिए आप स्टडी रिवर पे जाएंगे, मैं उस पर मतलब कोई बात नहीं करूंगा। स्टडी रिवर का जो पेज है उस पर आप जूम कोर्सेज पे जाएंगे, हमारी जो वेबसाइट है उस पर जूम कोर्सेज के टैब पे आप क्लिक करेंगे, वहां पे आपको तमाम इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के नाम, टीचर का नाम और फी, पूरे कोर्स की फी क्या है, सारा कुछ आपको वहां पे डिटेल में मिल जाएगा। चलें, और उसी में हमारे इंस्ट्रक्टर्स के प्रोफाइल भी अलग से पढ़ेंगे। कोई जो चीज आपको बंदा जो बता रहे हैं, जो टीचर आपको बता रहे हैं, वही टीचर वो सब्जेक्ट पढ़ाएगा। ये आपने बात याद रखनी है। ऐसा नहीं है कि हम दिखा के आपको CSP अफसर रहे हैं, मैं खुद IM CSP ऑफिसर अलहमदुलिल्लाह, ठीक है, और पढ़ाने के लिए आपको कोई और आ जाए, ठीक है, दिस इज नॉट द केस, ठीक है। अच्छा खैर, हमारा जो अपना स्टडी प्लान है आपके लिए, वो टेलर मेड है, वो आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं एज पर योर, आप उसको बेटा कस्टमाइज कर सकते हैं एज पर योर। एक तो है टाइम अवेलेबिलिटी, आपके पास टाइम कितना है, ठीक है। दूसरा, आपकी कैपेसिटी कितनी है, सारे दिमाग एक जैसे नहीं होते। मैं ये नहीं कह रहा कोई नलायक है या कोई लायक है, कोई किसी डिसिप्लिन में बेहतर होता है, किसी डिसिप्लिन में बेहतर होता है। व्हाट डज इट मीन कि अगर आप हमारे पास CSS में फुल कोर्स में ज्वाइन करते हैं, जिसमें आपको अच्छा खासा हैंडसम डिस्काउंट उस पर अवेलेबल है, ठीक है, आप पहले महीने में कहते हैं जी मैंने सिर्फ सर ये 2 कोर्स पढ़ने हैं, मैंने करंट अफेयर पढ़ना है या पाक अफेयर पढ़ना है, ठीक है जी, या जी सर मैंने GSA पढ़नी है, सिर्फ पहले महीने में सर ये 2 कोर्स पढ़ने, मैंने सर अगले तीसरे महीने में पॉल साइंस ज्वाइन कर लेनी है साथ में, ठीक है, या IR ज्वाइन कर लेना है सर, या फिजिक्स ज्वाइन कर लेनी है, ठीक है, ये 2 ख़त्म करके सर फिर मैं इस्लामिक स्टडीज़ ज्वाइन करूँगा, या फिर मैं जो है वो इंग्लिश प्रेस ही ज्वाइन करूँगा। वी गिव यू द फ्रीडम, आप 4 महीने में कोर्स ख़त्म करें, ठीक है, आप 3 में ख़त्म करें, आप 5 में ख़त्म करें, ठीक है, आप 6 में ख़त्म करें, आपको जनवरी तक कोर्स ख़त्म करना है, आपकी मर्जी है, जब तक मर्जी ख़त्म कर लें, ठीक है। आपको कोई नहीं कहेगा कि भाई जी आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, जाहिर बात है हर सब्जेक्ट के टीचर ने अपना टाइम तो उतना ही लेना है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी ऑफर, ठीक है। फुल कोर्स की मैं फ़ीस भी आपको बता देता हूँ, ऑन कैंपस 60K है, ऑनलाइन 60K है, ऑन कैंपस 65K है, ठीक है, ये उसकी फ़ी है। उसके मतलब फर्दर डिटेल्स आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ आपके क्वेश्चन की तरफ, मैं थोड़ा सा इसको समराइज़ कर दूँ, हमने क्या कुछ डिस्कस किया। जो लोग यहाँ पे हमारे पास आए, सबसे पहले हमने ये बात की कि भैया जी CSS कितने देर में तैयार होना चाहिए। नॉर्मली मैं ये समझता हूँ कि इट इज़ अ जोक, कोई बंदा कह जी मैंने 2 या 3 महीनों में तैयार कर लिया था, बट स्टिल हम एक डाउट को उनके जो है हम समझते हैं कि कोई झूठ नहीं बोल रहा, बट उसमें प्री कंडीशन है, उस बंदे की लैंग्वेज एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है, उसकी रीडिंग एबिलिटी बड़ी अच्छी है, ठीक है, वो ऑलरेडी न्यूज़पेपर्स और तमाम चीज़ों से इन टच है, तो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उसने ये इतने अरसे में तैयारी कर ली हो सकता है, ठीक है। बट ये तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं डिफरेंट फैक्टर्स पे, कोई बंदा एम्प्लॉयड है, जॉब होल्डर है, कोई हाउस वाइफ है, कोई सिंगल है, कोई स्टूडेंट है, तो सबके फैक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट है। ये अब पुलिस वाला जो है, ठीक है, या FBR के अंदर कोई बंदा जॉब कर रहा है, AG ऑफिस में कोई बंदा जॉब कर रहा है, ठीक है, सब सेम नहीं हो सकते, ठीक है। अब यह है कि स्टिल आपको प्लान बनाना है, जो प्लान नहीं बना रहे तो उसका मतलब है वो उनके फेलियर के चांसेस ज़्यादा है। 6 मंथ्स मेरा ख्याल है इट इज़ आइडियल टाइम, 4 महीने में भी हो सकती है तैयारी, बट 6 मंथ्स इज द आइडियल टाइम। आप हर महीने 2 से 3 सब्जेक्ट्स को टाइम देते हैं, आप नवंबर तक तकरीबन तैयारी कर लेंगे। अगर आप नवंबर तक भी जाते हैं तो 4 महीने आपके, देखिए अभी तो जुलाई के भी 7 दिन पड़े हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात आपको बता दूं कि भैया इसमें दिन रात फिर आप जो आपके पास टाइम है वो आप CSS को ही दे रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे, ठीक है। तो आपकी हम समझते हैं कि फिर इस तरह से तैयारी हो सकती है। आप दिसंबर में रिवीजन दें, हफ्ता हफ्ता 4-4, 5-5 दिन करके। जनवरी में, फरवरी में नहीं कर रहा, पेपर मिड फरवरी में हो रहे हैं, 25 फरवरी को हो रहे हैं, 5 फरवरी को हो रहे हैं, हम उसको नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास आ गया जी डेली टाइम टेबल आपने कैसे बनाना है, वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। मेरी स्ट्रेटजी ये होती थी कि मैं एक सब्जेक्ट को डेली टाइम दिया करता था मेजर, फिर एक आसान सब्जेक्ट को डेली 2 से 3 घंटे दिया करता था, डेली 1 घंटा न्यूज़पेपर को दिया करता था, डेली 1 घंटा में वोकैबुलरी या MCQ या इस तरह की चीज़ों को दिया करता था, ठीक है। प्रेपरेशन रेसिपी आपकी क्या है। कोई भी सब्जेक्ट जब आप तैयार करें, सिलेबस को देखें, पुराने पेपर्स को अच्छी तरह से देखें, पूरा सिलेबस लाजमी पढ़ें। फिर जो ज़्यादातर सवाल पूछे गए हैं उसको तो बड़े दो दो तीन तीन जगह से पढ़ें, उसके अच्छे से नोट्स भी बनाएं, ठीक है। फिर मॉक असेसमेंट करवाएं, ऑब्जेक्टिव को अलग से तैयार करें। ऑब्जेक्टिव में 240 के करीब नंबर बनते हैं, जिसमें से हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया कि अक्सर लोग 100 से 120 नंबर ले रहे होते हैं, जिसमें आप कम अज़ कम 50 नंबर का इजाफा कर सकते हैं, कम अज़ कम, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कुछ ब्लंडर डिस्कस किए। पहला ब्लंडर तो ये था कि जी आपका ऑब्जेक्टिव में लोग तैयारी नहीं करते, दिस इज़ फर्स्ट ब्लंडर, ये पहला ब्लंडर है, ठीक है, जो लोग अक्सर मारते हैं, ठीक है। सेकंड ब्लंडर क्या, आप अपनी मॉक असेसमेंट नहीं करवाते, जिसका नुकसान क्या होता है कि आप जब पेपर में जाते हैं तो आप टाइम नहीं मैनेज कर पाते, ठीक है। थर्ड ब्लंडर ये है कि नॉर्मली हम समझते हैं कि ये कोई मसला को नहीं, मैं तो कर लूँगा, ठीक है। जब एक अटैम्प्ट में फेल होते हैं तो फिर आप रिसोर्सेज इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उस वक्त तक आप अपना एक साल ज़ाया कर चुके होते हैं, ठीक है। दूसरों की गलतियों से सीखें। उसके बाद है, हमने आपको अपने कोर्सेज के मतलब बताया, ठीक है। सीएसएस का जो हमारा है उस पर आप जाके देख सकते हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन लूँगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे। वन बाई वन यू पीपल कैन आस्क क्वेश्चंस, और काइंडली जो आपने डिस्कस किया उसी के मतलब रहना है, और कोई सवाल नहीं पूछना। यू पीपल कैन जी जी जिसने कोई क्वेश्चन पूछना है वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी। सर मैंने आपसे ये पूछना था सर, ऑब्जेक्टिव की तैयारी के लिए अच्छे रिसोर्सेज पूछने थे आपसे। अच्छा बेटा, रिसोर्सेज देखें आप, थोड़ा हर सब्जेक्ट का डिफरेंट है। सबसे पहले तो कोशिश करें कि उस सब्जेक्ट पे जो बंदा अथॉरिटी है ना, आप उसी का कोई रीडिंग मटेरियल, कोई नोट्स, या ज़्यादातर जो पुराने स्टूडेंट्स होते हैं ना, एक तो ये जो ऑनलाइन पीडीएफ के हंड्रेड्स ऑफ जीबीज आपने कलेक्ट किए हुए हैं ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं। जब तक किसी सोर्स की अथेंटिसिटी ना हो, उस सोर्स को पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। ऑब्जेक्टिव के अंदर 2-3 मसाइल हैं। पहले तो मार्केट में इतना अच्छा मटीरियल अवेलेबल नहीं है, अगर कोई मिल भी जाता है, पहले तो अवेलेबल नहीं है बहुत ज़्यादा, अगर कोई मिल जाता है उसमें गलतियाँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आपका टास्क यही है कि आपको देखें, आप 45 सब्जेक्ट है, मैं हर एक पे तो अलग अलग से डिस्कस नहीं कर सकता। आपको उस सब्जेक्ट के मतलब नेट पे सर्च करें, टीचर से पूछें कि जी मुझे इसकी ऑब्जेक्टिव कहाँ से मिलेगी सर, कौन से आथर की। बहुत सारे टीचर्स ने अपनी ऑब्जेक्टिव कंपाइल की हुई जो वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उनके स्टूडेंट से आपको मिल जाएगा, ठीक है सर, ठीक हो गया। लेकिन यही है कि कोशिश करें कि ऑथेंटिक सोर्स से लें, क्योंकि गलत ऑब्जेक्टिव पढ़ के चले जाएंगे, 2-3 ऑब्जेक्टिव गलत हो गए तो आपका दुख नहीं खत्म होगा, उस चीज का रिग्रेट नहीं खत्म होता जी। और कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी। आई वांटेड टू आस्क सर कि आपने न्यूज़पेपर की बात की, तो हम सॉफ्ट कॉपी में न्यूज़पेपर पढ़े या हार्ड कॉपी में पढ़े, तो ई पेपर पढ़े तो वो बेहतर रहेगा कि? अच्छा यार, आप देखें दोनों चीज़ों में थोड़ा फर्क है। अगर तो आप सॉफ्ट कॉपी में पढ़ के, अच्छा अब देखें ना, न्यूज़पेपर पे ना अलग अलग हमने बकायदा बनाए हुए हैं। मैं अगर फर्स्ट की आज का न्यूज़पेपर मेरे पास है नहीं अभी, मैं अगर न्यूज़पेपर उठा लूँ तो मुझे पहले तो ये देखना है कि भैया अभी वो अफगान सिपाही जो है उसने नवाज शरीफ से मुलाकात कर ली है, उस पर आर्टिकल्स आने शुरू हो गए, तो भैया इस पर सवाल नहीं आएगा पेपर में, कभी भी सवाल नहीं आना इस पर, ठीक है। भैया वो मैं बस आपने कह दिया कि वो फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर बनेगी, ठीक है, इस पे भी सवाल नहीं आना, ठीक है। या ओलंपिक्स में हमारे 10 खिलाड़ी गए हैं बस, इस पे भी सवाल नहीं आना, ठीक है। यूएस में से विड्रॉल हुआ है, उस पे क्वेश्चन आ सकता है, या वो नूर जो लड़की मर्डर हुई है वो किस तरह से मर्डर हुई है, उस पर सवाल नहीं आना। अब इस एपिसोड के सिनेरियो में अगर किसी ने जेंडर के ऊपर, वुमेन राइट्स के ऊपर कोई आर्टिकल लिखा हुआ तो वो आर्टिकल आपने पढ़ना। जो सिर्फ वो नूर का अल्लाह माफ करे जो मर्डर हुआ है उसमें क्या उसकी डिटेल्स थी, उसकी डिटेल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, किसी ने नहीं पूछना। ओवरऑल इस चीज़ के ऊपर हाई लेवल पे अगर किसी ने आर्टिकल लिखा हुआ तो वो आर्टिकल आपने पढ़ना। एक तो पहली बात ये कि पढ़ना क्या है, ठीक है, पहले तो यही मसला है। लोग परेशान हो रही है, एक पढ़ा जा सकता है जी, बिल्कुल पढ़ा जा सकता है, फजूल है ना पढ़ना। टू द पॉइंट, आप डेली 2 आर्टिकल पढ़ें, सारा अखबार आपने नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। अच्छा जब आपने पढ़ लिया, आपको डेली को अच्छा नहीं मिलेगा आर्टिकल, कभी कभार आपको हर दूसरे तीसरे चौथे दिन को बड़ा अच्छा आर्टिकल मिल जाएगा। फर्स्ट किया जेंडर पे लिखा हुआ जी, वुमेन एम्पावरमेंट, पाकिस्तान में वुमेन एम्पावर्ड क्यों नहीं, उस बंदे ने पहले उसके रीजन डिस्कस किए, ठीक है। फिर उसके बाद उसने उससे क्या इम्प्लीकेशन हो रही हैं, खवातीन का कत्ल हो रहा है, खवातीन परसिक्यूट हो रही हैं, वो अपने राइट्स के मतलब बोल नहीं सकती, फिर उसने वो चीज़ें लिखी हुई, फिर उसने नीचे सोल्यूशन बताए हुए, और उसने कुछ डाटा भी दिया हुआ। फर्स्ट दिया उसने यूएन का डाटा दिया हुआ, उसने पाकिस्तान के अंदर कुछ सोर्सेस जो है उसको कोट किए हुए। अब इस तरह के आर्टिकल है, आप चाहे ऑनलाइन पढ़ें, चाहे दान में से पढ़ें, ठीक है, आप अपना हार्ड कापी से पढ़ें, चुप करके क्या करें, इसके जो है वो आप निकाल लें, पॉइंट्स निकाल लें एक पेज पे, ठीक है, क्योंकि ये अखबार तो नहीं ना आपने संभाले रखना, आप 3 महीने के बाद तो ये अखबार में से आर्टिकल भी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसको बोलते हैं फैक्ट बुक। फैक्ट बुक क्या होती है, इसमें बकायदा हमारे चैनल पे 2 वीडियोस पड़ी हुई हैं, एक मेरी और बिलाल पाशा की है, और एक मेरी और सरगुलाम हुसैन की पड़ी, उन दोनों को देख लें आप। फैक्ट बुक क्या है, आप बकायदा से पेजेस कमिट कर देते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे आपने 4-5 पेजेस का एक अलग से बनाया हुआ स्पेस, उस पर जो वुमेन एम्पावरमेंट के आप मतलब पढ़ते जाते हैं, वहाँ पे लिखते जाए, एनर्जी क्राइसिस पे, वाटर क्राइसिस पे, ठीक है, इस तरह टूरिज्म इन पाकिस्तान पे, ठीक है, आपने 35-40-50 चीज़ों के ऊपर इस तरह से आपने डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर 4-5-6 पेजेस आपने फिक्स किए हुए हैं, कमिट किए हुए हैं, वहाँ पे आप अपना जो कोई अच्छा आर्टिकल पढ़ते हैं उसको वहाँ पे लिखते जाते हैं, वो आपके पास एक रैंडम थॉट्स आते जाते हैं, जिसको आप फिर बाद में एक बकायदा क्या कहते हैं कस्टमाइज ऑर्गेनाइज भी उसको कर सकते हैं। तो दिस इज माई स्ट्रेटजी, आपकी डिफरेंट हो सकती है। होप सो कि मैंने बड़ा डिटेल में आंसर कर दिया इसका। अच्छा जो लोग व्हाट्सएप का ग्रुप का एक लिंक हमारा शेयर किया हुआ है, जो लोग सीरियस हैं हमारे अपकमिंग सेशंस को ज्वाइन करने के लिए और डेमो क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए, वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं वो लिंक उसको शेयर करें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव शेयर्ड इट मल्टीपल टाइम्स बट नेवर चेक्ड, क्या बेटा शेयर किया है, नेवर चेक्ड, लिंक दिस लिंक इज इनवैलिड, बेटा लिंक ये देखो भाई अपना आर एफ, बेटा लिंक का क्या मसला है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बोले, क्वेश्चन पूछ ले बेहतर है जी। प्रेपरेशन विद जॉब देखें जी, जॉब के साथ अब आपकी जॉब मेरे से बताएं ना, आप क्वेश्चन पूछ ले बेटा तो आपकी जॉब नेचर क्या है मुझे बताएं, माइक ऑन करें, फिर हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि आपके लिए क्या होगा। देखिए जी 2 महीने में मुश्किल हो जाएगा, मुझे आप खुद ही टाइम टेबल बना दें। पीएमएस के अंदर 6, 3, 9 सब्जेक्ट्स बनते हैं, अब 2 महीने में मुझे 9 सब्जेक्ट्स का टाइम टेबल बना दें, मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये जो भी FA 20 RCS है, 9 सब्जेक्ट्स का 2 महीने का टाइम टेबल मुझे आप बना के दे दें, मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि जी आपकी तैयारी हो सकती कि नहीं हो सकती। 60 दिन बनते हैं, 55, 9, 54, ठीक है, मेरे ख्याल में 6 दिन भी नहीं बनते पर सब्जेक्ट, 6 दिन भी नहीं निकलते, कैसे तैयार आई वांट टू आस्क वन मोर क्वेश्चन जी। जी सर एक्चुअली 6 मंथ के लिए हमें स्मार्टली सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स करनी पड़ेगी ना, तो उसके लिए अगर हम हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक से सिलेक्ट करते हैं तो मुझे मतलब बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड किया कि ये ना सिलेक्ट करें आप, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। यार उसमें देखें आपके पास और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कम टाइम में हो जाते हैं, सर पब्लिक एड रिकमेंड किए मुझे लोगों ने, मैं आपको देखिए मैं सब्जेक्ट मैं कम टाइम वाले सब्जेक्ट बताने लगा जी, ठीक है ना। आपका जेंडर स्टडी कम टाइम में हो जाता है, एनवायरमेंटल साइंस कम टाइम में हो जाता है, आपका फिलॉसफी कम टाइम में हो जाता है, ठीक है, आपका और 100 मार्क्स के कौन से सब्जेक्ट हैं जो कम टाइम में हो जाते हैं, ठीक है, क्रिमिनोलॉजी आइला भी कम टाइम में हो जाता है, ठीक है सर, वो सब तो सिलेक्ट हो। अच्छा अब पब्लिक एड आपका थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है, पब्लिक एड थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है, ठीक है, आपका 200 मार्क्स का जो भी सब्जेक्ट लेंगे, चाहे आप IR लें चाहे पोलिटिकल साइंस लें, उसमें 2 महीने लेने हैं अगर आप बिल्कुल रॉ हैंडेड, ठीक है, कंप्यूटर साइंस ले लें, फिजिक्स ले लें, 200 मार्क्स का कोई भी सब्जेक्ट है वो ऑलमोस्ट 2 मंथ 1.5 महीना ले लेगा, ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि महीने में उसको तैयार करना मुश्किल हो जाए, ठीक है, 2 महीने लग जाते हैं ठीक है, मैं 100 मार्क्स से। और हाँ, अब आ गया आपका फाइनल जो लास्ट ग्रुप है, उसमें से मैं नॉर्मली पंजाबी या कोई भी लैंग्वेज रिकमेंड करता हूँ। अदरवाइज उसमें मैथ्स कॉम है, वो भी महीने में तैयार हो जाता है, ठीक है। उसके अंदर साइकोलॉजी और ज्योग्राफी है, वो दोनों ज़्यादा टाइम देंगे, ठीक है। पंजाबी उसके अंदर वो भी महीने में तैयार हो सकता है। मतलब आप उसको इस तरह से देखें ना कि अगर आपकी क्लास ही डेली 2 या 3 दिन हो रही है, तो आप नंबर ऑफ लेक्चर्स देखें ना, अगर वो 24-25 लेक्चर्स में कवर हो रहा है तो वो महीने में तैयार हो जाएगा आपको। सर बस उसमें मसला हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स में और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले ग्रुप में, हिस्ट्री वालों में से देखें आप फिर शॉर्ट हिस्ट्री लें। मैं भी इंडो पाक हिस्ट्री नॉर्मली रिकमेंड नहीं करता, माजरत उन लोगों के साथ जो रखना चाह रहे हैं, ठीक है, कि आपका रिलेटिवली यूएस हिस्ट्री शॉर्ट है। आपको जब सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो 2-3 चीज़ों, सबसे टॉप प्रायोरिटी तो ऑब्वियसली स्कोर होना चाहिए कि उसमें स्कोर कितना आ रहा है। दूसरा, उसमें आप ये भी देखते हैं उसमें रीडिंग मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं है। तीसरा, उसमें आप ये देखते हैं कि उसको टाइम कितना लगे। इंडो पाक हिस्ट्री को आप समझते हैं कि शायद वो पाक अफेयर के साथ ओवरलैप करेगा, उसका फायदा क्यों नहीं, दैट्स नॉट द फैक्टर जी। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन जिसने पूछना है काइंडली बताएं, अदरवाइज फिर हम इसको अपनी मीटिंग को एंड करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन। जी जी सर, मैंने पूछना था कि जो पॉल साइंस का सिलेबस है, ठीक है सर, इसके साथ जो मैंने सुना है कि टीचर्स ऐसे कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ठीक है, वो 80% तक इससे मतलब आपका इससे हो जाता है, रिलेट हो जाता है, सर क्या ऐसा है? अच्छा, उसमें 2 चीजें हैं बेटा, पॉल साइंस के साथ सी लॉ भी ओवरलैप करता है और पॉल साइंस के साथ फिलोसफी भी ओवरलैप करता है। अच्छा, यहाँ पे बच्चों की एक प्रॉब्लम है, वो ये समझते हैं कि जो सी लॉ वो पोलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, वही सी लॉ शायद जो आप कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का पेपर है उसमें आपने करना होता है। ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर वो लॉ का सब्जेक्ट है। ये बच्चों को बहुत बड़ा वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। वहाँ पे आपको केस लॉज डिस्कस करने हैं, उसको लीगल लैंग्वेज या लीगल डिक्टम के अंदर आपको उसको तैयार करना, ये आपको जेहन में रखना, ठीक है। अदरवाइज कोई मसला नहीं है, वो वाकई ओवरलैप करता है, लेकिन दोनों को कंटेंट उस तरह से सेम नहीं है जिस तरह से अक्सर लोग समझते हैं। भाई ये थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका मतलब है कि सर जार्गन्स होते हैं सर, वो आपने बोला कि वो सेम मतलब डिफरेंट होता है, जार्गन आपने अप्लाई करना होता है, लेकिन सर बाकी क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है, ये क्या ये स्कोरिंग है, मतलब आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं अगर आप उसको उस तरह से प्रिपेयर करो? उसकी बहुत ज्यादा स्कोरिंग नहीं है, अगर आप उस ग्रुप के अंदर देखते हैं ना, आप बहुत ज्यादा स्कोरिंग नहीं है, क्योंकि जो लॉ, मतलब मैं उस ग्रुप में आपको बताऊँ, उस ग्रुप में 2 सब्जेक्ट इससे ज्यादा स्कोरिंग है, मर्केंटाइल लॉ का सब्जेक्ट इससे ज्यादा स्कोरिंग है, फिलोसफी इससे ज्यादा स्कोरिंग है, ठीक है। बाकी ट्रेंड बदलता रहता है, ठीक है, ट्रेंड कभी भी सेम होता है सर। ये जो ट्रेंड होता है सर, ये भी मतलब क्या ये भी मिथ नहीं है कि अगर आपने एक सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है तो क्या वो आप ट्रेंड पे तो नहीं ना रहते, आपकी तो अपनी 100% तैयारी है ना उसमें। अब इसमें बेटा 2 एग्जांपल्स दे देता हूँ, 2 एग्जांपल्स दे देता हूँ, जिससे ये डिसाइड आपने खुद करना है। इज़ा इरशाद यस सर, पिछले से पिछले साल की रिटर्न की टॉपर, साइकोलॉजी उसका सब्जेक्ट का स्कोर उसका 86 साइकोलॉजी, वही इज़ा इरशाद इस दफा फिर रिटर्न की टॉपर, साइकोलॉजी उसका सब्जेक्ट था, साइकोलॉजी रगड़े में था, लोग साइकोलॉजी में फेल हुए, उसका स्कोर 35, सही, ठीक हो गया। अब एक ये एग्जाम्पल। अच्छा, अब दूसरी एग्जाम्पल ले लेता हूँ, वकार मसूद चौधरी, इज़्ज़ा से पिछले साल, अभी वो लोग ट्रेनिंग भी कर गए या पोस्टिंग उनकी मेरे ख्याल में से STP कर रहे हैं, वकार मसूद चौधरी, मेरे YouTube पे उसका वीडियो वगैरह भी पड़ा हुआ है। आइला रगड़े में था, बट ही स्कोर्ड 71, तो दोनों तरह का एविडेंस है। नॉर्मली वैसे मैंने ये देखा है, जब एक सब्जेक्ट रगड़े में होता है तो उसका इफेक्ट जरूर पड़ता है, मतलब अगर वो 80s 90s में स्कोर दे रहा है तो वो 60s 70s में आ जाता है ओवरऑल स्टैटिस्टिकली। मतलब उसमें से 1-2 लोग अगर अच्छा परफॉर्म कर भी जाए, मतलब टाउन प्लानिंग हमने देखा, हम तो दुश्मन को रिकमेंड करेंगे टाउन प्लानिंग को रख लें, क्योंकि हमने खुद देखा वो बच्चे जिन बेचारों के 17, 17, 18, 18 MCQ भी ठीक है, उनके 12-12 नंबर आ रहे हैं, पता नहीं किस, मैं क्या लफ्ज यूज करूं उस प्रोफेसर के लिए जिसके पास पेपर गए थे, ठीक है। तो दिस हैपन्स, कुछ सिक माइंड लोग भी होते हैं। और एक ये भी बात, हम वादे के साथ एकेडमिया और ब्यूरोक्रेसी में एक थोड़ा सा एक biasness है academia. Some of the academicians they don't like it. वो उनको होता है यार ये अफसर बनेंगे और ये करेंगे वो करेंगे. और कुछ आप अगर यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे तो आपने कोई टीचर का मतलब सुना होगा वो फलाना टीचर बहुत अच्छे नंबर देता है और फलाना टीचर यार उसके पास कोर्स में एनरोल करवाना वो तो मार देता है. स्पेशली जब आप माइनर यूनिवर्सिटी में फंस के मैंने एक कोर्स किया तो हमारे पास कुछ सब्जेक्ट होते थे जो माइनर होते थे जो और कुछ होते थे मेजर जो आप अपनी चॉइस पे चूज करते थे कि जी फलाना रख लें या फलाना सब्जेक्ट रख लें. उसमें से हम हमेशा ये देखते थे कि टीचर कौन सा पढ़ाने वाला नंबर कैसे देता है. कुछ तो है कंपल्सरी जो पढ़ना ही पढ़ना. तो ये तो यूनिवर्सिटी में भी किया करते थे हम. उस टीचर के पास हम जाते थे जो ज्यादा सख्ती नहीं करता था जो अच्छे नंबर देता था. तो भैया ये तो एक नेचुरल चीज एग्जिस्ट करती है. अगर कोई बंदा कहता है कि ट्रेंड या स्कोरिंग ट्रेंड एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं तो उससे हाईली डिसएग्री करता हूँ. मेरा तो इसमें बिलीफ है कि भाई सब्जेक्ट का स्कोरिंग ट्रेंड एग्जिस्ट करता है. ठीक है हाँ उसमें ये है कि ऑब्वियसली एक सब्जेक्ट आप फर्स्ट किया ज़ूलॉजी फिजिक्स इकोनॉमिक्स कंप्यूटर साइंस आप ऑप्ट करना चाहते हैं मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा करें. मर्केंटाइल लॉ अकाउंटिंग ऑडिटिंग आप करें आप लाजमी करें. ठीक है ना. अब साइकोलॉजी हम बहुत रिकमेंड किया करते थे लेकिन पिछले साल के स्कोर के बाद अब हम आपको कहेंगे कि भाई अभी देख लें इस साल का रिजल्ट आ रहे थे फिर फैसला करें. अभी मैं नहीं कहूंगा कि आपको रखेगा क्योंकि अगर पिछले साल इतना गंदा रिजल्ट आया इस साल भी अगर इतने गंदा रिजल्ट आता फिर तो मोर लग जाएगी कि जिस बंदे के पास पेपर जा रहे हैं उनको सिक माइंड बनता है. क्योंकि साइकोलॉजी तो हमेशा बड़ा स्कोरिंग हुआ करता था. मतलब आप तो बेटा अभी आए ना 2-3 साल से आपने तैयारी करनी शुरू की. मैंने तो 2008 में CSS किया 2005-06 से हम ट्रेंड देखते आ रहे हैं. जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. अगला क्वेश्चन किसका है. अस्सलाम वालेकुम सर. जी बेटा. सर आई एम वर्किंग एज सब इंस्पेक्टर इन पुलिस डिपार्टमेंट. तो मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है अगस्त में. तो उसकी जो स्केड्यूल होगा वो ऑलमोस्ट 5 AM इन द मॉर्निंग टिल 5 PM इन द इवनिंग. तो उसका किस तरह हो जाएगा. आपको बहुत रगड़ा लगने वाला है. सर आई एम वेरी डिटरमाइंड बट मुझे ये मैं चाह रही थी कि आप मुझे थोड़ा वो करें इसमें हौसला अफजाई करें. आई मीन ट्रेनिंग ड्रॉप नहीं हो सकती. कितने महीने की है. सर 9 months की है. बेटा ट्रेनिंग ड्रॉप करवा लो किसी तरह से. चलिए सर मैं ट्राई करती हूँ. क्योंकि मैं आपको बड़ा मतलब मैं आपको लॉलीपॉप देना चाह रहा. मैं बहुत सारे क्लीग्स को जानता हूँ बहुत सारे जूनियर्स को जानता हूँ. मुझे पता है वो ट्रेनिंग बहुत टफ होती है और फिर कमांडेंट भी डिपेंड करता है. नॉर्मली मतलब जितना भी नरम कमांडेंट आ जाए दैट्स नॉट इजी. फिर अपना प्लान या तो बॉर्डर कर दें अगले साल पे ले जाओ. ठीक है अगर अभी करना है तो बेटा ट्रेनिंग डेफर करवा लो. कुछ कर लो ट्रेनिंग डेफर करवा लो. ठीक है ठीक है सर. थैंक यू सर. थैंक यू बेटा. जी नेक्स्ट. अस्सलाम वालेकुम सर. सर पब्लिक एड और हिस्ट्री ऑफ यूएसए के बारे में बता दें. दोनों में से कौन सा ज्यादा. दोनों अच्छे सब्जेक्ट हैं. एक ना मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सका एक पॉइंट जो मैं अक्सर डिस्कस किया करता हूँ. जब आप बेटा सीएसएस की तैयारी शुरू करें क्योंकि हम सब्जेक्ट सिलेक्शन डिस्कस कर रहे हैं. मैं इतनी दफा सब्जेक्ट सिलेक्शन डिस्कस कर चुका हूँ लेकिन फिर अगेन इस पर पूरी रहती है. पीएमएस या आप बलूचिस्तान से हैं सिंध से हैं पंजाब से हैं जहाँ से भी हैं जो पीसीएस पीएमएस सिंध कहाँ से हैं आप बेटा. सर पाकिस्तान से. पाकिस्तान से. मैं कौन सा इंडिया से बात कर रहा हूँ. डोमिसाइल कौन सा है आपका. डोमिसाइल कहाँ का. सर लाहौर का. जी सर लाहौर का है ना. ठीक है तो बेटा आप पीएमएस पंजाब इज अ वंडरफुल सर्विस नाउ इक्वली कंपेटिटिव. पहले 2-3 ग्रुप छोड़ के अगले अभी लोग इवन इनकम टैक्स या ऑडिटर अकाउंट्स या ओएमजी में नहीं जाना चाहते. वो कहते हैं हम उससे बेहतर है पीएमएस में रह जाए. जी सर इस पॉइंट का मतलब क्या है बेटा. जब कोर्स प्लान करो तो पीएमएस और सीएसएस दोनों को साथ रखो. अच्छा जी मैं सिर्फ आज पोलिटिकल साइंस रख रही हूँ. अच्छा ये CS PMS में भी 200 नंबर का हो गया. अच्छा मैं फिलोसफी रख रही हूँ. अच्छा ये PMS में भी 200 नंबर का हो गया. मैं पंजाबी रख रही हूँ ये PMS में भी 200 नंबर का हो गया. मैं पब्लिक एड रख रही हूँ ये PMS में भी लग जाएगा. 3 सब्जेक्ट कैसे चूज करने हैं जो दोनों तरफ लग रहे हैं. और दोनों ये भी देख लेना कहीं ऐसी एक ही ग्रुप में ना आ रहे हैं. ठीक है उसका फायदा क्या होगा. 6 महीने बाद आपका अगर पीएमएस देने का प्लान बनता है तो कम से कम आपका 70% काम पहले ही हुआ होगा जी। और अगर आप ये प्लान नहीं करेंगे तो एंड पे क्या होगा कि 6 महीने बाद जब आप पीएमएस सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि 20-30% तैयारी है आपकी, 70% तो आपको फिर तैयार करनी। तो पब्लिक एड इज अ गुड ऑप्शन अगर उस लिहाज से देखते हैं कि वो पीएमएस में भी आपका आ रहा होता है। सर सिर्फ सीएसएस के अकॉर्डिंग बताएं ना, लाइक स्कोरिंग के लिहाज से और सिलेबस के लिहाज से। दोनों अच्छे हैं बता, दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन सा है? अब ये मुश्किल हो जाएगा ना, फर्स्ट के बच्चे पूछते हैं जेंडर और एनवायरनमेंट में कौन सा बेहतर है। अब यहाँ पे मैं आपको ये जवाब दूंगा जो आपको ज्यादा अंडरस्टैंड करता है, जो आपको आपके टेस्ट के ज्यादा करीब है उसको आप कर। बस क्या मैं अगर जेंडर एनवायरनमेंट साइंस में से देखूं तो मैं एनवायरमेंटल साइंस चूज करूंगा, मैं साइंस का बंदा हूँ, ठीक है। कोई लिटरेचर वाला बंदा है, ठीक है जी सर, वो स्टडीज चूज कर ले। दोनों एक जैसे हैं, पब्लिक एड यूनिवर्सिटी में भी कोई खास फर्क नहीं। मतलब अगर यहाँ पे पब्लिक एड और पंजाबी का पूछ रहे होते ना मुझे तो मैं कहता पंजाबी, ठीक है। बट आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब मेरे पास तो यही है, ठीक है। सर गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी का बता दें, वो एज और कौन सा गवर्नेंस पब्लिक पॉलिसी अलोंग विद आईआर, सिंधी, क्रिमिनोलॉजी एंड जेंडर स्टडीज। ठीक है सारे गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी का थोड़ा सा मसला है, न्यू डिसिप्लिन है, इसमें ना उस तरह से रीडिंग मटेरियल अवेलेबल नहीं है, ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है। काफी लोग इसको ऑप्ट कर रहे हैं, स्कोर भी बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है, आपको पता। मतलब मैंने इसका स्कोर 50-60 में देखा है, मैंने किसी का स्कोर 70+ या 75 या 80 नहीं देखा। मगर आपने अगर किसी का देखा हो तो आप देख लें। तो सर इसका सब्स्टिट्यूट कौन सा चूज करना चाहिए? आप अगर उसी वाई नॉट, आपने जेंडर और एनवायरमेंटल साइंस वाले ग्रुप में से कोई सब्जेक्ट लिया ही नहीं? मैंने लिया है, जेंडर, आईआर, क्रिमिनोलॉजी एंड सिंधी। आपने हिस्ट्री वाले में से ऑप्शन है आपके पास, पब्लिक एड का ऑप्शन है आपके पास, हिस्ट्री वाला ऑप्शन है, ठीक है। जीबीपी मैंने उसका स्कोर इतना निकालने नहीं देखा, ठीक है। अब ये पता क्या है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब किसी को हो सकता है वो बहुत अच्छा लगता हो, उसको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो तो वो रख ले। मतलब मैंने बल्कि किसी बंदे का जीपीपी में बहुत अच्छा स्कोर नहीं देखा, मतलब 70+ की रेंज में मैंने नहीं देखा, ठीक है। सो सर इफ आई गो फॉर हिस्ट्री 60 की रेंज में तो मैंने देखा है, 70+ लिटरली मैंने किसी का स्कोर नहीं देखा, ठीक है। सो इफ आई गो फॉर हिस्ट्री सब्जेक्ट तो फिर यूएस एंड यूरोपियन दोनों में से कौन सा? यूएस, यूरोपियन और ब्रिटिश अगर मेरे से पूछते हो, इन तीनों में से कोई मर्जी रख। ओके सर, थैंक यू। चले जी, मेरे ख्याल में ना आप सब्जेक्ट सिलेक्शन पे ही बात होना शुरू हो गई है। फिजिक्स एंड अप्लाइड मैथ दोनों ही बड़े बेहतरीन हैं, लेकिन अप्लाइड मैथ के साथ आपको प्योर मैथ लेना पड़ेगा, क्योंकि अप्लाइड मैथ 100 नंबर का है, साथ में प्योर मैथ लेना पड़ेगा। प्योर मैथ मुश्किल है, अप्लाइड मैथ तो आसान है। फिर आपके पास फिजिक्स का ऑप्शन बचता है, फिजिक्स ले लें, दैट्स अ गुड सब्जेक्ट, ठीक है जी। चले जी, वन लास्ट क्वेश्चन देन वी आर कॉलिंग। अस्सलाम वालेकुम जी। सर मैं जॉब कर रहा हूँ पुलिस में, और मैं 9 to 4 ऑफिस में होता हूँ। उसके बाद मेरे पास फ्री, मैं उसके लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल चाह रहा था, क्योंकि आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर रहे हैं उसके बारे में। अच्छा, उसमें देखें आपके पास 9 to 4 आपकी ऑफिस टाइमिंग्स हैं, आप 5 बजे घर पहुँचते होंगे, ठीक है। 5 से 9-10, क्योंकि आपने अगर सुबह 9 बजे ऑफिस जाना है तो 10 बजे आपको सोना भी पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आप डेली 4 से 5 घंटे निकाल सकते हैं। तो आप एक सब्जेक्ट को भी लेके चलते रहे, आपको साल तो लग जाएगा तैयारी, 6 महीने में आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मतलब अगर मैं एक एवरेज बंदे की बात कर रहा हूँ, अगर आप बहुत जहीन है तो हो सकता है आप कर लें, मैं एक एवरेज बंदे की बात करता हूँ, उसमें यही है कि बेस्ट ये होता है। अच्छा अगेन ये है, मैं क्यों ट्यूशंस को या उसको मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ? बेटा जब आपने पैसे दिए होते हैं ना, तो आप अगर क्लास में ना पढ़े तो आपको सुकून नहीं आता, फिर आपको नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि आपने पैसे दिए हुए हैं। फिर आप क्लास लेंगे, जब आप क्लास लेंगे तो समहाउ आप डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, जी आप एक टीचर के साथ चल रहे होते हैं, आप महीने में, डेढ़ महीने में, दो महीने में उस सब्जेक्ट को आप कवर कर लें, ठीक है जी। तो जॉबियंस के लिए बेस्ट ये होता है कि अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए और चीज़ों को कवर करने के लिए बेस्ट है कि कोचिंग ले लें, एक एक दो दो सब्जेक्ट्स के अंदर इनरोल करवा लें अपने आप को। उससे ये होगा कि उनका एक पंक्चुअल एक टाइम टेबल उनका बन जाएगा। मजबूरी होगी कि भाई जी पैसे दिए हुए मैंने क्लास पढ़नी पड़ी, ठीक है। और इस तरह करके उनका 6 महीने में, 7 में, 8 में उनका कोर्स सारा कवर हो जाएगा एटलीस्ट। मतलब उनकी क्वेश्चन और साथ साथ अगर वो जॉब पे, मुझे नहीं पता ऑफिस की जॉब है किस तरह की है, अगर ऑफिस की जॉब है तो वहाँ पे भी 1.5-2 घंटे आप साथ निकाल सकते हैं। अखबार पढ़ ली, कोई वोकेबलरी साथ ले गए, कोई MCQ साथ ले गए, कोई पेजेस 4 साथ ले गए, वहाँ पे पढ़ लिए। मैं अपने दोस्तों को, मैं अपने बैचमेट को जानता हूँ जो टिकट जो आप ये लगाते हैं रोड पे, ठीक है, वो ऐसा ही हुआ करता था, वहाँ पे बैठ के रोड पे पढ़ा करता था, ठीक है। सिपाहियों को खड़ा किया होता था और खुद बैठ के वहाँ पे साथ में पढ़ रहा होता था, ठीक है। तो ये तो आपकी डिवोशन और डिटर्मिनेशन की बात है, आप कितने डिवोटेड हैं, ठीक है, right. सब कुछ मुमकिन है। सर जी मेरा सवाल है इस पे। जी जी इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है तो ग्रुप 1 से जो है वो पॉलिटिकल साइंस है या इंटरनेशनल रिलेशन, दोनों बात कर रहा हूँ यार। वो दोनों ही अच्छे सब्जेक्ट हैं। मैं उसमें से अगेन आई विल नॉट इनकर्ज के भी आप ये लें वो लें। हाँ, अगर आप पंजाब से हैं और आपका PMS का प्लान है तो आई वुड रिकमेंड कि फिर आप पोलिटिकल साइंस ले लें। उसका एक ही फायदा है ये कि भाई आपका 200 नंबर का वहाँ से पंजाब PMS में से पोलिटिकल साइंस उठ जाती है। अगर वहां पे आप बिल्कुल अलग कोई सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं, ये ना नहीं। और मतलब अगर CSS देना है तो फिर इंटरनेशनल रिलेशन कर लें, फिर इंटरनेशनल रिलेशन कर लें, बिल्कुल ठीक है। चलो जी, आई होप तो आपके हमारी डिस्कशन हो गई। फर्दर आपको WhatsApp ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। अच्छा जी, असेसमेंट पे ना हमने कनाडा से वीडियो कर लेंगे। असेसमेंट पे आप हमारे, जो मैंने आपको लिखा था, स्टडी नेबर हमारी वेबसाइट है, उसके ऊपर आप जब जाएंगे जूम कोर्सेज तो वहीं पे असेसमेंट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे असेसमेंट का शेड्यूल भी दिया हुआ है। आप अपनी क्यूरी वहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा पीए और बाकी बता देता हूँ। असेसमेंट का भैया हम एक टेस्ट का, कोई भी 100 मार्क का टेस्ट आप देते हैं उसका हम 1000 चार्ज करते हैं। वेरी क्लियर, आप एक सब्जेक्ट के 2 पेपर दे लें तो 2000, 3 दे लें तो 3000, आप 10 पेपर दें तो 3 फीस हो जाएगी। आप एक पेपर देना चाहते हैं तो आप 1000 पे करेंगे, मतलब एक टेस्ट देना चाहते हैं। आप कुछ बच्चे कहते हैं जी मैंने चैप्टर वाइज देने हैं, तो भैया आप चैप्टर वाइज दे लें, ठीक है। जो अच्छा टीचर है वो हमेशा याद रखे, ही विल चार्ज हाई फॉर द फीडबैक। जिसके पास टाइम नहीं है वो तो आपको पीनट्स में भी कह देगा जी आज मेरे से फीडबैक ले, उसके फीडबैक का फायदा कोई नहीं, ठीक है। ये तो फी का हो गया। अब आपने डिसाइड करना है कि जी आपने किस तरह से पेपर देना। आप फी सबमिट करवाएं, हमारा बकायदा एक अलहदा से डेडिकेट कोऑर्डिनेटर है, वो आपको टेस्ट दे देगा। आप टेस्ट हल करके हार्ड कापी अगर लाहौर में है तो इधर आप हमें हैंड ओवर कर देंगे, अगर आप ऑनलाइन है तो आप हमें सॉफ्ट कापी व्हाट्सएप कर देंगे, आपको वो चेक होके वापस मिल जाएगी। दैट इज द स्केड्यूल। आप जितने मर्जी टेस्ट दें आपकी मर्जी है, ये आपने खुद डिसाइड करना। अगर आप स्ट्रक्चर टेस्ट देना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन उसका सिलेबस पड़ा हुआ है, हमने उसके 3 हिस्से किए हुए हैं हर सब्जेक्ट के। आप चाहते हैं नहीं जी मैंने तो बस एक एक दो दो टेस्ट देने हैं, आप उस तरह से कर लें, देयर इज नो इशू इन दैट, ठीक है। चलो जी, थैंक यू एवरीवन। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। हमारा अभी ये अगले दिनों में डेमो क्लासेस चल रही होंगी। आप जो भी सब्जेक्ट ज्वाइन करना चाहते हैं या क्यूरीज है तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या जो हमारा नंबर है 0315773680 उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ जी। मीटिंग एंड